हेलो जी। तो अभी मॉर्निंग हो गई है, सफाई चल रही है। और मेरे सुबह मॉर्निंग में मैं सफाई कर रही थी तो ढक्कन आ गया, गिर गया नाक पे, बहुत तेज़ लगी है और दर्द हो रहा है। अब गौर नहीं किया था पर खड्डा सा हो गया है, लगती रहती है मेरा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। ठीक है जी, सफाई करते हैं। और पापा जो है व्लॉग पापा जो है वो देख के आ गए। सो मॉर्निंग में आज 25 नवंबर है, तो आज वोट की वजह से सबकी छुट्टी भी है, कामिल वगैरह सब घर पे ही है। और पापा जो है वो कहते ना, वो कह रहे थे, कामिल बता रहे थे कि शुरू के जो 5 लोग जो वोट देते हैं वो पौधे लगाते हैं, तो पापा जो है उनमें से एक थे और वो पौधा लगा के आ गए और सबसे पहले वोट दे के आए वो आज सुबह मॉर्निंग में। तो ये बढ़िया काम है, लेकिन मैंने और कामिल ने वोट नहीं दे सकते हम लोग, मेरा बहुत मन था, लेकिन हम लोगों का जो है जोधपुर में वोट लगता है और हम लोग यहाँ हैं तो बेसिकली हम लोग वोट नहीं दे सकते, पर घर के बाकी लोग जो है वोट देने जाए। तो जी काम सारा हो गया और मॉर्निंग में एक कप चाय पीती हूँ, उसके बाद अभी नाश्ता कर रही हूँ। अभी टाइम हो गया है 11 बजे हैं, तो नाश्ता कर लेते फटाफट, उसके बाद और आन को नहलाना वहलाना है, खुद भी नहाना है। और हाँ जी मैडम, क्या बना रहे हो आज? हमारे घर में ना एक लंबा थोड़ा आदमी है जिसको हर 3 दिन नई नई चीजें खानी होती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो आज उनके मन में आया सांबर खाने की, दिमाग में नहीं। तो ये सारी सामग्री डलेगी, आप देख सकते हो। लौकी, प्याज, मैंने ऑलरेडी पहले ना सांबर और इडली बना रखी है घर पे, 2-3 बार बना तो रखी फिर है। आज क्यों तो रेसिपी क्या देख रहे हो? भूल रेसिपी गए? देखी नहीं, मैंने पूछी कंफर्म किया है, भूल गई। बहुत टाइम पहले बनाई थी मैंने, लॉकडाउन के समय पहली बार बनाई थी सांभर और इडली। मेरे घर के पास में चाची रहती है ना, तो उनको बुला लेती थी जब भी कुछ गड़बड़ होती थी ना, इसलिए तो उन्हीं से पूछा मैंने अभी कि भाई हम सिर्फ सांभर बना रहे हैं, इडली नहीं बना रहे, क्योंकि इडली का साँचा हमारे पास है नहीं, तो हम सांभर और चावल खा लेंगे। टमाटर तो सबसे पहले तो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सांभर की, काफ़ी लोगों को तो आती भी होगी। सारी सब्जियां जो है, लौकी, बैंगन, आलू, इन सबको कट करना, मिर्ची, टमाटर, प्याज, सारी जितनी भी सब्जियां है ना वो सारी कट कर लो साइड में। और दूसरी तरफ दाल चढ़ानी है हमें सिर्फ, और नमक और हल्दी के साथ में। चलिए जी, कामिल तो चले गए थोड़ा सा रिकॉर्ड करके, और बाहर चुनाव और मतलब हुए हैं आज, तो थोड़ा माहौल गर्म है बाहर का, तो वो सब देखने गए मार्केट में। मैंने कुकर के अंदर से तूर की दाल, पानी और हल्दी नमक डाल के चढ़ा दिया है गैस पे, और बाकी की जो सब्जियां हैं वो मैं कट कर लेती हूँ फटाफट से। सब्जियां तेल डाल के, जीरा डाल के, सारी की सारी सब्जियां मैंने एक साथ डाल दी, टमाटर, मिर्ची, आलू, बैंगन और लौकी सारे डाल दिए। अब इसके अंदर चारों मसाले डालने हैं अच्छे से, एक तरीके से सब्जी टाइप बनाना है इसको। तो मैंने इसमें चारों मसाले डाल दिए, हल्दी और नमक थोड़ा कम डाला है क्योंकि ऑलरेडी मैंने दाल में डाल दिया है, और मिर्ची और धनिया डाल दिया, और ये सांभर मसाला। फर्स्ट सब कुछ चेक करा रही हूँ, सिर्फ वो नहीं किया है मैंने, क्या बोलते हैं उसको, झोंका नहीं दिया है, चौका झोंका जो भी होता है। ठीक है, 2 बार मेहनत लगी है। इमली नहीं डालना? नहीं, इमली नहीं डाली है, इमली डालो। ओ पापा क्या कह दे जना, इमली की चटनी डाल दूं और बुंगार देके फिर आपको चटनी डालेगी या फिर वैसे डालेगी इमली चटनी शेक करो। अरे ये इमली चटनी ही है, इमली के अंदर इसमें शायद मीठा मिला हो रहा कुछ, तो खट्टा मीठा टेस्ट आना चाहिए, खट्टा ही आना चाहिए, मीठा नहीं आना चाहिए। देख लो बेटा, ठीक है, सही तो है ना मसाला वसाला सब, नमक वमक सब सही है। थोड़ा सा जो एग्जैक्ट टेस्ट आ नहीं रहा है, तो जब तक वो वार रुक जाओ, फिर फाइनल वो करने दो मुझे, फिर उसके बाद टेस्ट तो फिर के टेस्ट पर बुलाओ। नहीं मैं तो अभी चेक करवा रही थी, नमक वमक सब सही है ना, फिर नमक तो सही आया पूरा करके फिर टेस्ट कराऊं, फिर कोई कमी हो तो बता देना। मैं तो सजेस्ट करूंगा ये मत डालना। अरे है तो इमली की चटनी, ये मीठा हो जाएगा इससे, खट्टा मीठा ही तो आना चाहिए।
है ना। हालांकि इमली पड़ी है पर वो भी मीठा ही ऐसा सेम टेस्ट आता है सेम। ठीक है चलो मैं डालूँ फिर। तो सांभर का लास्ट प्रोसेस, इसमें बस तड़का लगाना है और मिर्ची और क्या बोलते हैं इसको कड़ी पत्ता। हाँ बिट्टू बोल, तो आगे तो बोल। बस ये मसला है मसल की दो लेंगे दो पैसों की और ये दिए। क्या की दाल है? मूंग की चुआंच उठ की दाल है, एक दिन पहले भिगो दी गई थी रात को सुबह 4 घंटे पहले भिगो दी गई थी। अभी इसको मसल के और इसको ग्राइंड कर लिया जाएगा, फिर उसकी बनेगी मूंगड़ी जिसको कई जगह बोलते हैं बड़ी बोलते हैं, कई जगह मूंगड़ी बोलते हैं। ये हमारी 3 लड्डू आ गई, 1 लड्डू और 2 लड्डू। ना ये 3 किलो बची नहीं है, लास्ट बची थी अपने उसने दे दी वरना देता ही नहीं। बड़ी 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 जो कैसे बनती है प्रोसेस ज्यादा आपको बताएंगे। पहले वो आ गया क्या क्या डाल रही है? यह दाना मेथी, काली मिर्च, लाल मिर्च, नमक और या लौंग, दालचीनी। ये जो दाल धोई थी ना उसको ग्राइंड कर लिया गया, अब इसमें मिक्स किया जा रहा है मसाला। पिछली बार भी घर ही बनाई थी ना थे बनाई नहीं। दो दो दिन तक क्यों पड़ी रहेगी? एक दिन तक आज रात में सूख जाएगी फिर चिल्ली दरिया खट्टी हो जाए। दो दिन सूख जाएंगे, बना तो लिया कल शाम के फिर खड़ी हो जाएंगे ना जो तेल में भूंज की बना लेंगे। अच्छा नहीं परसों दिन के बना लेंगे शाम के यार फूल खा ले रहा काम में बजाते सीख बजाते आज अलग छोले मंगाती। अभी जो मम्मी मुंगड़ी बना रही है तो वो बता दी मैंने, बढ़िया बना रही है तो वो मैंने सारा प्रोसेस जो है आप लोगों को आगे दिखाऊंगी मैं कैसे बना रही है क्या है प्रोसेस। और अभी 11 बज गए मेरे ख्याल से और मेरे नहाने का बिल्कुल मन नहीं है आज। आजकल मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है तो मेरा बिल्कुल मन नहीं होता नहाने का, क्योंकि नहाने के बाद मुझे इतनी भयंकर ठंड लगती है ना मतलब। बस हालांकि हीटर पड़ा है हमारे पास लेकिन अभी तक तो उसको ऑन नहीं किया, तो मेरे ख्याल से आज मैं ऑन कर लूँगी नहा के उसको। और प्लस जो है आज मेरा कुछ नया सूट पहनने का मूड है, मतलब मूड अच्छा है तो मैं सोच रही हूँ कि जो मैं रेगुलर पहनती हूँ वो सूट नहीं कुछ नया अलग पहनते। और अभी जस्ट मैंने अपनी दिन की दूसरी चाय पी है अदरक वाली, बिना अदरक के चाय चाय नहीं होती है। तो मैंने सोचा ये फ्रॉक पहन लेती हूँ, काफ़ी दिन हो गया है मैं बहुत टाइम से ये पहनी नहीं है। और इसकी लेगी मैं बाई चांस जो है इसकी लेगी जो है मैं जोधपुरी भूल गई हूँ दुपट्टा और फ्रॉक लेके आ गई थी, हालांकि फुल लेंथ की है लंबी है पूरी तो नीचे दूसरी लेगी कलर की पहनूँ तो भी दिखेगी नहीं, तो आज मैं सोचू ये पहन लेती हूँ। फिर बेचारे ये ऐसे ही पड़े रहते हैं कपड़े, इनको पहनने में आते ही नहीं है ये। बट उससे पहले मुझे लगता है इसको थोड़ा सा आयन करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सलमे हो रखी है। तो मैं थोड़ी सी आँख लगने वाली थी एडिटिंग करते हुए, कामिल जो शेव कराने गए थे वो आ गए, उनका कॉल आया है, खाना वाना उनको डाल के आती हूँ, भूख भी लग रही होगी 1:30-2 बज रहे हैं उनको। पानी वाली मिर्च मैंने नहीं खाई थी, ये मम्मी ने जो अचार डाला था पानी वाली मिर्च
इसमें नींबू और इतनी अच्छी खुशबू है ना इसकी, पानी में है सर, लाइट वाले खा सकते। तो इसको मिर्ची को बॉईल करके डाला ना? हाँ बस मिर्ची को बॉईल कर, खटाई के लिए नींबू डाल दिए, नींबू डाल दिए, थोड़ा सिरका डालो बस। नींबू का अचार तो बन गया। एक और अचार जो है अंदर पड़ा है दूसरे वाले रूम में, अब इसका क्या करोगे? ये जब आप मूली की रुत में माल्टा भी आता है और मूली भी आता है। माल्टा क्या होता है? माल्टा ही माल्टा है, ऑरेंज। ऑरेंज तो इसमें मूली भी डाल लिया आपने, इसमें नमक डालो फिर खाओ इसको कुछ भी, और इसी को सांभर में डाला जाएगा। क्या कर रहे हो, क्यों बेकार खराब करा सांभर को और इसको खराब किया? इसको तो चलो चलेगा, सांभर को क्यों खराब कर रहे हो? खराब नहीं किया है, डालो नींबू आप, देखो क्या देखो, अब इसको क्या देखना है, इसको सांभर में डालोगे? थोड़ी सी नमक डालो। क्या किया इसको? नमक डालो। टेस्ट अलग हो गया ना, तो उसका टेस्ट आ रहा ना, उसका टेस्ट आ रहा। नमक डालो। सांभर के अंदर डालेंगे माल्टा। माल्टा क्या होता है? माल्टा नींबू का बड़ा भाई होता है, नींबू भी तो डालते हो, खटाई का मतलब क्या होता है? मुझे माल्टा नहीं पता, लेकिन नारंगी बोलते हैं। ऐसे टेस्ट कर ली सांभर की। कुकिंग का मतलब होता है ट्विस्टिंग, आप क्या ट्विस्ट करते हो डिश में, कैसे आप इसको और ऐड कुछ फ्लेवर ऐड करते हो। और वाकई एक बात बताओ, मैंने अभी सांभर जो है टेस्ट किया, इसके अंदर इतना टेस्टी लग रहा है ना, अलग ही टेस्ट आ रहा है इसका। ठीक, भयंकर ठंड हो रही है ना, जल्दी। अरे अरे अच्छी, क्या कर रहे हो ना? ऊपर चला धुआं, ऊपर जा रहा है। अच्छा, हाथ दूर रखो, दूर रखो, दूर रखो, दूर रखो ना। उफ, तो रान खा रहा है अभी मैगी। मैं इसके लिए मैगी बना के लाई थी, क्योंकि सुबह से सिर्फ दूध पिया हुआ है इसने। मैं मैगी बहुत रेयर देती हूँ इसको खाने के लिए, कभी मूड हो जाता है ना, तो ऐसे ही बस बना के दे देती हूँ ताकि ये खा ले। बाकी इसको दूध पिलाने के बाद जो है खाना खाता है 10-10:30 बजे के आसपास। तो आज मैगी बना दी, और मैं इसे खुद से खाने का मन करता है आजकल, इसको हर चीज़ खुद से खानी होती है सिवाय रोटी के, मैगी वगैरह खुद से खानी होती, वो भी ऐसे। अभी फिलहाल इसको नहलाना है मुझे, इसको मैंने 4 जो है स्वेटर पहनाया आज, टी शर्ट है नहीं, अंदर पतली बनियान है, फिर उसके ऊपर टी शर्ट है, फिर उसके ऊपर स्वेट शर्ट है, फिर उसके ऊपर ये कलरफुल स्वेटर है, उसके ऊपर ये वाला है, मतलब 5-5 पहना रखे हैं मैंने, इतनी ज़्यादा ठंड है ना, इसलिए मैं सोचूँ इसको नहलाऊँ या नहीं नहलाऊँ। हाथ मुँह धुला के गर्म पानी से और कपड़े चेंज कर देती हूँ।